सुबह का मना 26 जनवरी 2021 पवित्र भूमि जो स्थान परमेश्वर ने नूह को जहाज के साथ विश्राम करने को ठहराया था वह अरारात पर्वत था। अरारात का अर्थ पवित्र भूमि है। जब तक वह पवित्र भूमि पर नहीं आया तब तक वह लक्षिण होकर भटक रहा था। जब तक हम पवित्र जीवन के आधार पर नहीं जीते तब तक हम मसीही जीवन में कोई उद्देश्य जब अपने प्राणों के विश्राम में बिना जहां वहां भटकते रहेंगे। जहां तक नूह की बात है, बाढ़ के जल का उद्देश्य उसे पवित्र भूमि अरारात पहाड़ पर लाना था। उसी प्रकार हमारे क्लेश हमें पवित्र पर्वत सियोन तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जहाज में प्रत्यक्ष रूप से दशा मोड़ने वाला कोई पहिया ना था। कोई भी मानवीय प्रयास उसे पहाड़ पर ना ला सका। हमारी कोई महानता या चतुराई हमें पवित्र जीवन बिताकर पवित्र पर्वत पर पहुंचाने में सहायता नहीं करती, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह यदि हम उसमें बने रहे जैसे नूह जहाज में बना रहा। पवित्र भूमि पर पहुंचकर नूह को संपूर्ण पृथ्वी का अधिकारी बनाया गया। मूसा और यीशु को भी बड़े नेता बनाकर परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए पहले पवित्र भूमि में परमेश्वर उन्हें लाया। आश्चर्य की बात यह है कि जब तक परमेश्वर ने नहीं बताया, जब तक मूसा और होशुआ जो उस पवित्र भूमि के बारे में समझ नहीं थी जिसमें वह खड़े थे। दुख की बात यह है कि आत्मिक संसार में कितने नेता कहलाने वाले ये सोचते हैं कि वे एक पवित्र जीवन बिताते हैं, परंतु उनका जीवन इस बात का परिणाम नहीं देता। जब पवित्र भूमि पर जहाज जाकर टिक गया तो पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। उत्पत्ति 8:5। पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने का अर्थ सर्वोच्च आत्मिक प्रश्नों और अनुभवों में प्रति हमारी बुद्धि को दिखाता है, जिसको हम केवल तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर की पवित्रता में विश्राम लेना सीख जाते हैं। जब न्याय का जल कम हुआ तब नूह ऊपर उठा और उसके बाद सारी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वह नीचे उतर आया। उसी प्रकार से जब न्याय होगा तो पवित्र लोग मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे और 7 वर्ष के महाक्लेश के पश्चात वे यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए पृथ्वी पर उतर आएंगे। परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को बुलाता है कि वे उसमें बने रहें और उस पवित्र भूमि तक पहुंचे ताकि उस न्याय के दंड से बचकर उसके साथ संसार पर राज्य करें। सुबह का मन्ना। गॉड ब्लेस यू।